दोस्तों हम सब घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हमारे वीडियो के थ्रू दुनिया की कुछ खूबसूरत जगहों की सैर कराई जाए। आखिरी जगह तक देखना, यकीनन हर एक जगह आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर वन, डेविल्स पूल विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया। विक्टोरिया फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसके एज पर बना यह डेविल्स पूल डेविल्स स्विमिंग पूल है। इसको दुनिया का अल्टीमेट इन्फिनिटी पूल भी कहा जाता है। नंबर टू, पमुककाले हॉट स्प्रिंग साउथ वेस्टर्न टर्की। पमुककाले का मतलब है कॉटन कैसल, जिसका नाम इसके चमकदार स्नो व्हाइट लाइमस्टोन के सरफेस की वजह से मिला। यह हॉट स्प्रिंग सेकेंड सेंचुरी बीसी जितना पुराना है। साइंटिस्ट का मानना है कि हॉट स्प्रिंग जमीन के नीचे होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी से पैदा हुआ है। नंबर थ्री, मॉरन लेक कनाडा। मॉरन लेक अपने चमकदार नीले और हरे पानी के लिए जाना जाता है, जो कि इस लेक की खूबसूरती भी है। ये लेक कनाडा के बैंफ नेशनल पार्क का हिस्सा है। नंबर फोर, ग्रेट व्यू होल बेलिस सिटी जॉर्डन। ग्रेट व्यू होल एक बहुत ही बड़ा जायंट मरीन सिंक होल है, जो कोस्ट ऑफ बेलिस के पास है। यह सिंक होल एक सर्कल के शेप का है और यह 318 मीटर एरिया में फैला हुआ है और 124 मीटर गहरा है। नंबर फाइव, ब्लू सिटी मोरक्को। ये सिटी अपने नाम जैसी ही है, यानी कि ब्लू। इस सिटी के सारे घर, रास्ते सब ब्लू कलर्ड है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ जाना पसंद करते हैं। नंबर सिक्स, डेविल्स डन स्प्रिंग यूएस। ये जगह भी अपने खूबसूरत अंडर वाटर सिंक होल के लिए फेमस है, जिसके अंदर कैनल्स और छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं। नंबर सेवन, एंटेलोप कैनियन यूएसए। इस कैनियन का लहरों जैसा आकार है, जो इसको एक यूनिक सा लुक देता है। इस कैनियन के अंदर जाने पर आपको सुंदर से लाइट बीम्स भी दिखेंगे। एंटेलोप साउथ वेस्टर्न यूएसए का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड कैनियन है। नंबर एट, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कॉरल रीफ मिलते हैं। यहाँ पर कुछ 900 आइलैंड है और 2600 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं। नंबर नाइन, टॉरस डेल पैनी। टॉरस डेल पैनी को सबसे अट्रैक्टिव बनाते हैं उसके तीन ग्रेनाइट के पहाड़, जो कि एक खूबसूरत तालाब से 8000 फीट ऊंचा है। नंबर टेन, नामिब डेजर्ट नाम्बिया। 1200 माइल्स के इस बंजर रेगिस्तान की भी अलग एक खूबसूरती है। इस रेगिस्तान में आपको हर जगह अलग अलग कलर की रेत दिखाई देगी, जो कि साइंटिस्ट और ट्रैवलर्स दोनों को अट्रैक्ट करती है। ये जगह डायमंड माइनिंग के लिए भी जानी जाती है। नंबर 11, वैलेंसोल प्लेट्यू फ्रांस। ये प्लेट्यू सबसे ज्यादा अपने लेवेंडर फील्ड्स के लिए जाना जाता है। लेवेंडर सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि इसकी खुशबू और भी ज्यादा सुंदर होती है। नंबर 12, रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूएसए। इस पार्क का सबसे खूबसूरत नज़ारा है इसके आसमान छूने वाले लंबे लंबे पेड़। यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जगह और भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। नंबर 13, इश्लियोप स्काई यूके। इस जगह की खूबसूरती है इसके बड़े बड़े पहाड़, तालाब और नदियाँ। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई कुछ 15,000 फीट तक पहुँचती है। नंबर 14, यूशान नेशनल पार्क ताइवान। ये पार्क कुछ 103,121 हेक्टर्स में फैला हुआ है। यहाँ के 30 से भी ज़्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 3 किलोमीटर से ज़्यादा है और इनमें से सबसे ऊंचा है यूशान, जिसके ऊपर इस पार्क का नाम रखा गया है। नंबर 15, लेक ब्रेंज स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है लेक ब्रेंज, जिसके आसपास बर्फीले पहाड़ है और एक आइसल्टवाल्ड नाम का कैसल भी है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। नंबर 16, वैली डे कोकोरा कोलंबिया। कोकोरा वैली सेंट्रल कॉर्डिलेरा के अंडमान माउंटेन्स में लोकेटेड है। इस जगह का नाम कोलंबियन राज्य के राजकुमारी कोकोरा के नाम पर है, जिसका मतलब है स्टार ऑफ वाटर। यहाँ के हर भरे पहाड़ों में घोड़सवारी करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस जगह का सबसे खूबसूरत नज़ारा है इसके लंबे लंबे पाम के पेड़। नंबर 17, हेलोंग बे वियतनाम। टोंकिंग गल्फ में हेलोंग बे अपने ग्रीन पानी और 2000 से भी ज़्यादा लाइमस्टोन आइलैंड और केव्स के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ये जगह बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। नंबर 18, मचू पिचू पेरू। मचू पिचू दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और इनका सिविलाइजेशन का ये सबसे जाना माना आइकॉन है, जो कि अमेजोन के जंगल में कहीं गहरे में है। ये कहते हैं कि इस सिटाडेल को 1450 एडी के आसपास बनाया गया था। नंबर 19, सालारडे यूनी बोलीविया। सालारडे यूनी या सालारडे टुनुपा दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है,
जो 10,582 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बर्फ से ढके वोल्केनोज और कैक्टस से भरे आइलैंड के लिए ये जगह फेमस है। लेकिन इस जगह को सीमेंट्री ऑफ ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 90s में माइनिंग के लिए यूज होने वाली ट्रेन्स को रखा गया है। नंबर 20, विनिकुन का रेनबो माउंटेन पेरू। इस पहाड़ को सात रंगों का पहाड़ या सेरो कोलोराडो भी कहा जाता है, क्योंकि इस पहाड़ के स्ट्रिप्स में सात रंग मौजूद है। ये पेरू का फोर्थ सबसे बड़ा पहाड़ है और इसकी ऊंचाई लगभग 6.3 किलोमीटर्स है। नंबर 21, बोरा बोरा आइलैंड। ये आइलैंड कोई जन्नत के नज़ारे से लगते हैं। इस आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ का पानी मोतियों से भी साफ है और इस आइलैंड पे एक बुझा हुआ वोल्केनो भी मौजूद है। और दोस्तों, आगे भी ऐसे धमाकेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक धमाकेदार फैक्ट के साथ।